तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बेचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे टांक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, पांच जने उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आँख को मीच जरा, गांडी पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या को मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो काना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुँह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नज़र में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव, टकटकी बांधकर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता, पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोले, पुत्र बहू को नग्न देकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। धर्म के ऊपर यहाँ आज भारी संकट है खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, सोले होने ते सोले आँखों में पर बहती जल की धारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुए और थर थर काँप रहा अर्जुन। हे केशव ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, और विजय यदि हुए हम जीना नहीं सरल होगा। हे माधव मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊँ, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊँ। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता मह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूँगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूँगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काए थे, और ज्ञान के गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाए थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है और वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता, ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो सब भी पूजा जाता है।
योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सादा नर को मन में उद्गार बताते थे, इस दुनिया के खातिर ही गीता का सार बताते थे। हे केशव, कुछ तो समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ। इतना समझ गया कि मैं न स्वयं के वश में हूँ। हे वादव, मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊँ, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारे सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे, देवलोक के देव डरे सबको माधव में काल दिखे। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का आराम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहता है, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिनत वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फनपे में मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए खुद ही खुद सकुचाए केशव, पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग दमकता था, कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊँचे थे भगवान सर्प में अब्बल लगता था, और हजारों भुजा देख अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था, और तर्जनी उंगली में भी चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था, केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा अर्जुन एकदम रस से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्मभुजा का वाहक हूँ, कोई मुझको मार नहीं सकता, जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था, पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया, चरणों में रखा शीश अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी, मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी, ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने कसम निभाई थी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म ध्वजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय।